लिखते हैं श्री 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 108 दुर्गा महोत्सव, अब 108 के बारे में लोग नहीं जानते। 108 वो छोटे छोटे कोटेशन हैं जो जीवन यापन करने के लिए उस प्रभु ने भेजे हैं। ज्ञान तो किसी के बाप का है नहीं, जो ग्रहण करना चाहे ले ले। पांव बुजुर्गों के दावे हैं तो ये हुनर आया है। बेशक सही कहा आपने, मैंने सही कहा शायद। तो क्या 18 पुराण कौन कौन से? श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुण पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बामन पुराण, उत्तर भूषण पुराण, काकभूषुंड पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण। विष्णु पुराण से कल्कि पुराण तक आपने 18 पुराण के नाम, वेद भी। और आप मक्का होया है? हाँ, मक्का भी हुआ है दो बार। कुछ कहना चाहते हैं आप प्रोग्राम में? मैं आप ही को सुनना चाह रहा था, आपसे ज्यादा सरल और आपसे सरल चित्त व्यक्ति कोई नहीं दिखा। कैसा है समाज, किसी ने अपना नाम रख लिया तो कहते हैं कि मेरे पिताजी से पूछ के नाम रखिए। अपने पिताजी से पूछ के नाम क्यों रखा था? मेरे पिताजी से पूछिए, मेरे पिताजी से नाम पूछिए, तब अपने पिताजी को बताइए, फिर वो पिताजी आपका नाम रखेंगे। अरे भैया चतुर्वेदी रखना था, चतुर्वेदी रख लिया था, चौरसिया रखना था चौरसिया, लेकिन मैं इसमें ना चतुर्वेदी में हूं ना चौरसिया में, मुझे तो बताइए आपको क्या कहना है, मुझे तो सिर्फ वही सुनना है। बहुत धन्यवाद आपको। सिर्फ रामायण की एक चौपाई सुना के अपनी बात खत्म कर। क्या बात है, चुना भी तो रामायण की चौपाई, रामचरितमानस। आचार्य जी मजा आ रहा है? ना 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 ना, मजा आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, बिल्कुल चौरसिया जी की बात पे ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, कोई भी कुछ। बहुत धन्य है आप लोग। मानस की एक चौपाई है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म विद नाना, आनंद ही सकल रस होगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है उसके कैमरे के नीचे हम लोग खड़े हैं, हम सबके सारे कर्मों को देख रहा है। हाँ, अगर पान बेचते तो चौरसिया जरूर रख लो। लाहौल मिला को। अरे ना 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 ना, अब ये ऐसा कहिएगा ना 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 ना, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। बरैया छत्ता में हाथ दोगे फिर कहोगे बरैया डंग मारती है। बरैया छत्ता में हाथ दोगे अब फिर कह रहे हो बरैया छत्ता मार जा डंग मारती। बैठो। नहीं 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 सर, वो देखिए मैंने कहा आपसे उसके चक्कर में पढ़िए ना, वो सारी ये एज जो है, हम लोग चंद्रमा और मंगल पे जा रहे हैं, ये वहां पे पूछ रहे हैं कि ये रख लीजिए वो रख लीजिए। मैं पिताजी ने रखा था, अगर ये होते तो इन्हीं से रखवा लेते। अब तो आप पानी पियो और एक एक गाली सुनते जाओ। चलिए, बहुत धन्य है उनका मशवरा सर आंखों पे जी। सोचेंगे पुनर्जन्म तो हो। आप तो पंक्ति पे आओ, राम ही केवल प्रेम प्यारा। सोचेंगे जी, एक शब्द के बारे में कहना चाहते हैं, सिर्फ एक शब्द है नमाज। वाह, सभी लोग जानते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नमाज पढ़ते हैं। ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये शब्द नमाज भाषा कौन सी है, इंग्लिश है कि उर्दू है कि अरबी है कि क्या है, ये भाषा कौन सी है? ये अगर चौरसिया जी बता दें तो उनका अभिनंदन है, बहुत सुंदर। आज तो आपने लगता भिगो भिगो के देना तय कर लिया है। मौसम नहीं है भीगने वाला। ये लखनऊ है भैया? हाँ जी, अरे मुझे मालूम है उनको, मैं जानता हूँ, पांडे जी हैं वो जी, वो पांडे जी हैं, मुझे मालूम है। मैं पांडे तो मैं भी हूँ, ब्रह्म जो सो जाने ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्रह्मण, ब्राह्मण कोई ऊपर से। तो आपने कहा जहाँ पे आपने छोड़ी थी बात, वो हाँ शब्द है नमाज। नमाज जी एक शब्द है, और ये प्योर संस्कृत का शब्द है। उर्दू में इबादत, हिंदी में पूजा अर्चना उपासना, इंग्लिश में प्रेयर, और संस्कृत में नमाज। क्यों, इसको संधि विच्छेद कीजिए, नमः धन अज, नमः नमन करना, प्रणाम करना, दंडवत करना, सजदा करना, झुक जाना, समर्पण हो जाना, समर्पित कर देना, जय जयकार करना, चरणों में पड़ जाना, धाराशाही होना, नतमस्तक होना, सरेंडर हो जाना। किसको? उस प्रभु के चरणों में इस सुपर कंप्यूटर को रख देना कि हे प्रभु तू ही सबसे बड़ा है, और तूने इस मनुष्य को बनाया है, इसका आविष्कारक तू ही है, तेरे चरणों में हम समर्पित हैं,
इसलिए आज अजन्मा को नमन कर लो। और ये हुआ नमाज। एक मिनट, मेरे माथे पे थोड़ा हाथ रख दीजिए। अरे भैया, हम दोनों हाथ रख देंगे, हाथ पे नहीं। आपको मालिक खूब अच्छा रखे। और आप ये सारे, और ये जो दृष्टि है प्रभु, ये दृष्टि का एक चौथाई का चौथाई हिस्सा पांडे जी की तरफ नहीं, आप ही की तरफ जाऊंगा मैं। सबको मैं, हाँ जी, क्या गाऊंगी? गाना गाना है राम जी का। रुको अभी, क्या नाम है तुम्हारा? जागृति गुप्ता। जागृति, रुको अभी, दानिश्वर बोल रहे, तुमने सुना? क्या सुना? सारी चीजें उनके ध्यान से सुन। कौन सी सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या लगी? कि सबके भगवान एक है, आराम से। और उसमें भेद मत करिए कि तुमने नाम ये क्यों रखा, वो नाम रख लो, ये नाम रख लो, भेद ना करना, है ना जी। आपने कहा कि 18 पुराण, 14 रामायण, 4 वेद, 6-7, 18 पुराण, 14 रामायण, 108 उपनिषद। जब बैनर लगते हैं दुर्गा जी के महोत्सव का, लिखते हैं श्री 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 108 दुर्गा महोत्सव। अब 108 के बारे में लोग नहीं जानते। 108 वो छोटे छोटे कोटेशन हैं जो जीवन यापन करने के लिए उस प्रभु ने भेजे हैं। वो 108 पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन आपने कहा 18 पुराण के नाम आपको पता है और वेद भी पता है, सब पता है। ऊपर वाले की कृपा है, ये लोगों की सेवा की तो ये मिला है। ज्ञान तो किसी के बाप का है नहीं, जो ग्रहण करना चाहे ले ले। पांव बुजुर्गों के दावे हैं तो ये हुनर आया है। बेशक, सही कहा आपने। मैंने सही कहा शायद? तो क्या 18 पुराण कौन कौन से? श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बामन पुराण, उत्तर भूषण पुराण, काकभूषुंड पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण। विष्णु पुराण से कल्क पुराण तक आपने 18 पुराण के नाम, वेद भी। और आप मक्का होया है? हाँ, मक्का भी हुआ है 2 बार। और 3 प्रोग्राम मनकामेश्वर में, जहाँ ईश्वर का घर है, वहाँ 3 प्रोग्राम हुए वेद और कुरान के साथ। क्यों ऐसा क्यों, आपका रुझान उधर कैसे गया? या लगा कि नहीं, पूरी दुनिया की जो तमाम सारे इल्म हैं, तमाम सारे रिलीजन हैं, उनको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। समझना चाहिए। ये हमारे एक दोस्त यहाँ खड़े हैं, ये बचपन के साथी हैं। आप बचपन के साथी? हमारे गोंडा जिले के हैं। ये गोंडा के हैं साथी? हमारे गोंडा के ही। हाँ, ये दोनों लोग, आप दोनों लोग बचपन के साथी हैं, तो बचपन में इनका रुझान ऐसे ही था? हाँ, ये ऐसे ही थे, ये तो नमाज पढ़ाते थे, आलमे दीन है ये, अल्लाह के बहुत ही समझिए नेक बंदे हैं ये। लेकिन आपका रुझान इस तरफ गया? हाँ, गया इसलिए कि मैं जब 8वीं क्लास में था जी, तो उसमें अनिवार्य संस्कृत भी हिंदी के साथ जुड़ा हुआ था। हाँ हाँ, ये तो सच है। हाँ, तो एक चैप्टर था उसमें धूर्कट मुनि, और जो हमारे जो उस वक्त जो हमारे टीचर थे, बिल्कुल अटल बिहारी जी के बिल्कुल समानांतर थे, वैसे ही चोटिया, वैसे ही उनका कुर्ता, वैसे ही धोती, और हम बदकिस्मती से टोपी लगाते थे तो आगे ही बैठते थे। अब पंडित जी आए, उन्होंने कहा हाँ भाई मौलाना जरा पढ़ो। तुमने कहा गुरु जी कौन सा चैप्टर पढ़े? कहने का धूर्कट मुनि निकालो। तो पन्ना उल्टा छोटी सी किताब थी अनिवार्य संस्कृत, उसमें लिखा था शुरू में, एक स्मिन बने धूर्कटा नामा एक मुनि आसीत। एक बन में धूर्कट नाम के एक मुनि रहते थे, ये उसका तर्जुमा था सीधा सीधा। अब वो बचपन का जमाना, बस वो बचपन में तो शरारतें होती हैं ना, कुछ ना कुछ, वो वहां से शुरू हुआ, शुरू कर वहां से सिलसिला आपका शुरू हुआ। हमने ये कहा एक अस्मिन मने चोरकटा नामा एका मुनि आसीत। अब जो पनिशमेंट मिला कि एक मेज पर दूसरा मेज रख के और मुर्गा बनाए गए, भाई बहुत चोरकटा बोल दिया क्या तुम्हारे? तो हमने, वो बचपन की बात थी, लेकिन तो मैं यहाँ पे बाद मैंने संस्कृत को ग्रहण करना शुरू किया। सारी किताबें जो मिली पढ़ डाली, जो जहाँ से मिली, जिस स्टाइल पे मिली, जहाँ मिली, जिस जगह मिली, सब पढ़ डाली। अब एक चेष्टा उत्पन्न हुई कि भाई सही चीज जानना चाहिए, और जब सबको ग्रहण किया तो मालूम हुआ कि एक ही ब्रह्म की उपासना सारे धर्म बताते हैं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्वम ब्रह्म मृत्यो नास्ते ने ना नास्ते किंचन। पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, किंचन किंचा भर भी नहीं, एकम एवं अद्वितीयम, वो प्रभु अकेला है, कोई दूसरा उसका भागीदार नहीं। तो जब आप रामचरितमानस में आए तो फिर क्या अच्छा लगा? अब रामचरितमानस की एक
दो कड़ियां आपको सुनाएंगे उर्दू में। हाँ। ये लिखा है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त लखनवी ने। जी बिल्कुल, बड़ा बड़ा नाम है। हाँ। नारायण चकबस्त लखनवी वो लिखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जीवनी में। हाँ। कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुआ वो बाप, वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम। जब जाने लगे मर्यादा पुरुषोत्तम पिता के त्रिवचन को पूरा करने के लिए, तो पिता से जाके आज्ञा लेते हैं कि पिताजी अब हम जा रहे हैं, आपके आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं। और माता को जो आपने, सौतेली माता को जो आपने वचन दिया उसको पूरा करने जा रहे हैं, आपका आखिरी दर्शन करने आए हैं। तो उस वक्त का दर्शन वो लिखते हैं कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। पहली मंजिल खत्म हुई और बाप से आज्ञा लेके और वनवास के लिए जा रहे हैं। और जब माता जी के पास गए तो उनसे जब पूछना चाहा तो उसमें लिखते हैं कि माता कौशल्या जी सिर्फ देखती रही, और जब उनसे पूछा, उनसे इजाजत ली, तो कहने लगी कि मैं खुश हूं, फूंक दे कोई इस तख्त तो ताज को, और तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। जब तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। क्या आज भी कोई बेटा इतनी बड़ी सल्तनत को ठोकर मारकर और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है? ये वचन दिया है श्री रामचंद्र जी ने, ये वचन दिया है पूरी दुनिया को कि देखो अगर पिता कहे तो राज को भी ठोकर लगा दो। उस जमाने में ये था कि बड़ा बेटा वही उत्तराधिकारी होता था, सब छोड़ के चले गए। क्या आज भी कोई बेटा है? तो इस राम के जीवनी से ये सबक लेना चाहिए। आचार्य जी आप तो, आपने तो आचार्य, अब बिल्कुल, अब इसके आगे अब आप हमसे क्या कहवाएंगे, बस धन्य है ऐसे महान पुरुष। हम बता, मैं यही इसी विषय में कहना चाहता हूँ भाई साहब। हाँ जी। मैं इसी विषय में कहना चाहता हूँ कि अब भाई साहब की बात को सुन करके, हमारे चचा जान के भाई भाई साहब को बुलाओ, इनकी बात को सुन करके, ये जो 22 तारीख का जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें अब राजनीति ना की जाए। क्योंकि मैं अभी भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आचार्य और योगी सब, मेरा नाम रविंद्र कुमार शुक्ला था, मैं एम काम, ठीक है, मैंने आपकी परिचय बिना पूरा जी, मैं फिर मैं कथा भागवत कहते हैं तो वही मैं देख रहा था, वो सरिता बह रही है, समझ गो। तो अब ये सच में ये है कि दोनों आंखों से, दोनों आंखों से जलधार बह रही है, और शायद निषाद राज ने भगवान के जब चरण पखारे होंगे तो शायद यही रहा होगा दृश्य। निषाद राज ने यही पूछा जब गए जो उत्तराधिकारी हुए थे और तलाश करते गए, निषाद राज ने पूछा प्रभु आप कहाँ? कहने के अपने भाई को ढूंढने, भरत जी ने कहा। तो कहने भाई को ढूंढने के लिए पूरी फौज लेके आए हो? आप फौज लेके आओ तो इसके माने तो आप उनका बिल्कुल खात्मा ही करने आए हो? कहा नहीं, अपने भाई को लेने आए हैं, अगर वो नहीं गए तो हम उनके चरणों के जो, उनके चरणों में जो चीज है खाऊं उसी को ले जाके रखेंगे सिंहासन में, फिर राज करेंगे। चूंकि रामचरितमानस की कौन सा पंक्ति आपको सबसे मन को भाती है? सबसे ज्यादा तो यही भाती है कि बिन पग चले सुनी बिन काना, कर बिन करे कर्म बिन दाना, आनंद ही सकल रस भोगी, बिन मारी वक्ता बड़ जोगी। एक राम है घर घर लेता, एक राम है दशरथ बेटा, और एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। और उस राम को कब याद करते हैं? उस राम को याद करते हैं जब अर्थी उठाई जाती है। क्या कहते हैं? राम राम सत्य है। क्या मतलब? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जो पूजा और अर्चना उपासना करते थे, जिस राम की वही राम सत्य है। राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। वो कौन सी सच्चाई है जिसमें मुक्ति और कल्याण छुपा है? उसको जो जान ले उसका जीवन सफल है। ये जीवन प्रभु ने दिया है, जीवन दिया है सुंदर बनाने के लिए। ये जीवन इसलिए नहीं दिया कि व्यर्थ कर ले। अरेबिक डिपार्टमेंट के भी प्रोफेसर मौजूद हैं और उर्दू डिपार्टमेंट के भी प्रोफेसर मौजूद हैं।
कहना चाहेंगे कुछ इनके बारे में? ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें जितने सारे लोग मौजूद हैं, आप लोगों ने सुना होगा किसी मदार पर किसी नेक शुभ काम के लिए फातिहा होती है जी। कुरान का पहला श्लोक जो है सूरह फातिहा है, उसमें 7 आयतें हैं, और अगर हिंदू गायत्री मंत्र याद है तो मुसलमान को फातिहा याद है। लेकिन अगर इन दोनों का ट्रांसलेशन हमारे चचा से सुन लीजिए तो कोई फर्क नहीं है, 7 खंड इसमें है, 7 उसमें है। फर्क इसका है कि जिसको संस्कृत आती है उसको अरबी नहीं आती है, जिसको अरबी आ जाए और उसको संस्कृत भी आ जाए वो हमारे चचा जैसा होगा। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि वो अरबी और संस्कृत दोनों पढ़े, तब वो समझ तुलनात्मक अध्ययन करे, तब समझ में आएगा, तब वो अध्ययन करेगा। हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में 160 साल पहले, लखनऊ यूनिवर्सिटी को सब जानते हैं, कैनिंग कॉलेज को कम लोग जानते हैं, उसमें ओरिएंटल स्टडीज इन अरबिक पर्शियन एंड संस्कृत खोला गया था, और पंडित और मौलाना साथ में बैठ करके एक दूसरे को ज्ञान बांटते थे। वही ज्ञान की जरूरत है और आज वही 22 तारीख में होने जा रहा है। क्या बात है, ये 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 है दानिश्वर लोगों की बात, ये बात अच्छी बात है। दूसरी चीज मैं इसी सिलसिले में एक और बढ़ाना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय, जो शायद 100 साल में, मैं 92 से यूनिवर्सिटी में हूं, मैंने किसी को बुराई नहीं करना है, लेकिन मैंने ऐसा पॉजिटिव और सोच ऑन द स्पॉट देखने वाला नहीं देखा। मेरे डिपार्टमेंट में इंग्लिश का टीचर 160 साल में नहीं मिला था, पिछले साल फैसला भी आया और मुझे टीचर भी मिल गया। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आपके बारे में सुनाएंगे हम, दो शेर आपकी शान में। अरे हमारे में मतलब ना चीज में क्या है ना, लोगों को सेवा दे रहे हैं आप और इतनी तगोदो और मेहनत कोशिश कर रहे हैं, सिला तो असल वो प्रभु देगा, परमेश्वर इंसान कुछ नहीं दे सकता, इंसान तो तालियां पीट के वाह वाह कर देगा बस। हम दो शेर आपको सुनाते हैं आपकी शान में, इरशाद और सुनिए आप जी। अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पलकें संवार लूं, अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पलकें संवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। क्या बात है, क्या बात है, वाह, हो आईना तुझे आईने में उतार लूं, मैं तमाम दिन का थका हुआ, हे क्या बात है, तमाम शब का जगा हुआ, जरा ठहर जा इसी मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुजार लूं। क्या बात है चचा, ये 72 साल की आवाज है, अब 18 साल में कैसा रहा होगा चचा के साथ। ये लखनऊ का, ये लखनऊ का अंदाज है हुजूर, ये लखनऊ का अंदाज है जिसमें चुहल भी है, संजीदगी भी है, इल्म भी है, और इसके साथ साथ बहुत कुछ सीखने के लिए सबक भी है जी। अब हमारे इस जगह जो ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हड्डी डाल दो तो खूब लड़ते हैं, अगर अगर कहीं खीरा ककड़ी और कोई चीज डाल दो तो नहीं लड़ेंगे, हड्डी पे लड़ेंगे सब। उनके बारे में भी दो शेर सुनो। बहुत बहुत इरशाद। ये अदा भी ऐसा की वाह क्या निराली है, ये अदा भी ऐसा की वाह क्या निराली है, एक जाम छलका है और एक जाम खाली है, मालदार मालदार होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, वारे देश के चलाने वाले लोग। और दूसरा भी शेर सुन लीजिए इसके साथ। जख्म पत्ता पत्ता है और दर्द डाली डाली है, हर तबका परेशान, हर आदमी परेशान, हर घर में परेशानी,
जख्म पता पता है और दर्द डाली डाली है, ए मेरे चमन आखिर कौन तेरा माली है। सब परेशान है मगर कोई इस परेशानी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बहुत अच्छा।